उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेबा प्रयागराज सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह की समीक्षा बैठक लगन विहार गेस्ट हाउस महेबा में संपन्न हुई। 12 अप्रैल 2024 को होने वाले सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह होना सुनिश्चित हुआ। समिति के संस्थापक दिनेश यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में गरीब असहाय दिव्यांग के साथ साथ समर्थनवान लोगों को भी सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अपव्यय से कुरीतियों से निजात मिले, फिजूल खर्चों से बचा जा सके। मुख्य संरक्षण श्री स्वामीनाथ त्रिपाठी जी ने सबको एकजुट होकर के सामूहिक विवाह को सफल बनाने का संकल्प लिया। आज त्रिवेणी सेवा संगम सेवा समिति के द्वारा जो सामूहिक बैठक रखा गया है, उसके बारे में अपनी समिति के बारे को क्या जानकारी देना चाहिए? सर्वप्रथम मैं आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेबा प्रयागराज सर्वजाति कन्या सामूहिक विवाह तीन वर्ष पूरी तरह से हम सभी साथियों के द्वारा तैयारी में संपन्न हुए और उसी की समीक्षा बैठक आज लगन विहार गेस्ट हाउस प्रांगण में होना सुनिश्चित हुआ। आने वाले 12 अप्रैल 2024 को एक बार फिर से तृतीय सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह में 15 गरीब व असहाय दिव्यांग व्यक्तियों बच्चियों की विवाह का हम लोग कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारी समिति व सहयोगियों की बैठक, साथ ही संस्थाओं की बैठक एक साथ हम लोग प्रांगण में कर रहे हैं और आज ही यह निष्कर्ष किया जाएगा, तय किया जाएगा कि आने वाले 12 अप्रैल को जो सामूहिक विवाह होना है उसकी दशा और दिशा तय होगी। आप अपना पूरा परिचय दें। दिनेश यादव, संस्थापक सचिव त्रिवेणी संगम सेवा समिति महेबा प्रयागराज। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।